नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की ओर से टेस्ट मैच में पहला दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी के, पोली उमरीगर। पोली उमरीगर का पूरा नाम पहलान रतनजी उमरीगर था। उनका जन्म 28 मार्च 1926 को सोलापुर महाराष्ट्र में हुआ था। वो पारसी थे। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में बीएससी तक पढ़ाई की थी। उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू 9 दिसंबर 1948 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुंबई में किया था, जिसमें पहली पारी में उन्होंने 30 रन बनाए थे और दूसरी पारी में उनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था। उन्होंने भारत की ओर से 59 टेस्ट मैच खेली, जिसकी 94 पारी में 42 की औसत से 3631 रन बनाए, जिसमें 14 अर्धशतक, 12 शतक और एक दोहरा शतक शामिल है, और उनका सर्वाधिक स्कोर 223 रन रहा। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 59 टेस्ट मैच खेली, जिसकी 50 पारी में 42 की औसत से 35 विकेट भी लिए हैं, जिसमें 5 विकेट 2 बार शामिल है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 74 रन देकर 6 विकेट लिए थे, जो उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा। 1952 में जब इंग्लैंड की टीम भारत में 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलने आई, तब उन्होंने पहले 4 मैच में मात्र 113 रन बनाए थे। इस वजह से उनको 5वें टेस्ट के लिए ड्रॉप किया गया था। लेकिन आखिर में हेमू अधिकारी को चोट लगने के कारण उनको नंबर 7 के बल्लेबाज के तौर पर खिलाया गया था और उन्होंने 130 रनों की नाबाद पारी खेली थी। इस वजह से भारत यह मैच 1 पारी और 8 रन से जीत गया था और यह भारत के इतिहास की पहली टेस्ट मैच जीत थी। उन्होंने अपने करियर का बेस्ट प्रदर्शन 1953 में वेस्ट इंडीज़ की टीम जब भारत दौरे पर आई तब किया था। उन्होंने 5 मैच की सीरीज़ में 569 रन बनाए थे, जिसमें 4 अर्धशतक और 2 शतक शामिल थे। हालांकि भारत यह सीरीज़ 1-0 से हार गया था। उन्होंने भारत की ओर से 8 टेस्ट मैच में कप्तानी की थी, जिसमें 2 टेस्ट मैच भारत जीत गया था, 2 हारा था और 4 मैच ड्रॉ हुई थी। उनकी कप्तानी में भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 मैच की सीरीज 2-0 से जीत गया था। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 1961 में 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ के चौथे मैच में पहली पारी में 56 रन और दूसरी पारी में नाबाद 172 रन बनाए थे और उन्होंने वेस्ट इंडीज़ की पहली पारी में 107 रन देकर 5 विकेट भी लिए थे। इस तरह उन्होंने शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन किया था। उन्होंने भारत की ओर से सबसे ज़्यादा 3631 टेस्ट रन और सबसे ज़्यादा 12 शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। बाद में सुनील गावस्कर ने 1970 के दशक में यह रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर में 243 मैच खेली, जिसकी 350 पारी में 52 की औसत से 16,155 रन बनाए, जिसमें 80 अर्धशतक और 49 शतक शामिल है, और उनका सर्वाधिक स्कोर 252 रन नाबाद रहा। उनके नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 26 की औसत और 77 के स्ट्राइक रेट से 325 विकेट भी है, जिसमें 1 पारी में 14 बार 5 विकेट और 1 मैच में 2 बार 10 विकेट शामिल है। वो भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी है। उन्होंने 1955 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में 223 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने अपना लास्ट टेस्ट मैच 13 अप्रैल 1962 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला था, जिसमें पहली पारी में उन्होंने 32 रन और दूसरी पारी में 60 रन बनाए थे। वो अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर में मुंबई और गुजरात की ओर से खेले हैं। वो 1978 से 1982 तक भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ता समिति के अध्यक्ष रहे हैं। उनको 1962 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। क्रिकेट में उनका महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण उनको 1998 में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। 7 नवंबर 2006 को कैंसर की बीमारी से उनका निधन हुआ। 2006 के साल से बीसीसीआई द्वारा हर साल पोली उमरीगर अवार्ड दिया जाता है। 2006 में सचिन तेंदुलकर को पहला पोली उमरीगर अवार्ड मिला। सबसे ज़्यादा 5 बार विराट कोहली ये अवार्ड जीत चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही दूसरे क्रिकेटरों की महत्वपूर्ण बातें
और रिकॉर्ड जानने के लिए हमारी चैनल पर बने रहिए और हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।